महागठबंधन पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन पर कोई खतरा नहीं है। नीतीश ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एनडीए के राष्ट्रपति पद के दावेदार के समर्थन को लेकर अलग राह पकड़ चुके नीतीश कुमार ने आज साफ किया कि बिहार में महागठबंधन पर कोई खतरा नहीं है। नीतीश ने कहा, बिहार में महागठबंधन के कई कारण हैं। नीतीश ने कहा कि सिर्फ विपक्षी एकजुटता ही नहीं बल्कि एजेंडा भी तय होना चाहिए। नीतीश ने कहा कि सिर्फ एकता और नेता चुनने से काम नहीं चलेगा बल्कि एक विकल्प तैयार करने की जरूरत है। नीतीश ने जीएसटी का भी समर्थन किया। बिहार का महागठबंधन है वह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं थी, आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में डेफिनेट हमारे पास एजेंडा था। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ गठबंधन बनाने से नहीं, गठबंधन के साथ अल्टरनेटिव नैरेटिव को भी तय करके लोगों के बीच में रखना चाहिए। जीएसटी काउंसिल को इनवाइट किया गया था, वो उस हैसियत से थे, और सांसदों को बुलाया गया था तो हमारे पार्टी के 10 सांसद मौजूद थे वहां, लेकिन हमको तो नहीं बुलाया गया था। बीजेपी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन में महाफूट है और कांग्रेस आरजेडी नीतीश को काम नहीं करने दे रहे। वहीं कांग्रेस नीतीश कुमार को दोबारा सोचने की नसीहत दे रही है। बिहार में महागठबंधन में महाफूट है कि मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे ये राजद और कांग्रेस के लोग। परिस्थिति अवसर उनके राजनीतिक कैलकुलेशन में जो सामने बात आती है उसी ढंग से वो अपने को चलते हैं और अपनी गोटी बिछाते हैं। अपना वेट बढ़ाने के लिए उन्होंने पब्लिक को दिखाने के लिए नीतीश को नहीं पूछा गया, ये बात उन्होंने समाज के सामने लाया। अपने आप का बचाव करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी भी समय है, भी राष्ट्रपति का मत नहीं पड़ा है, उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस ने महागठबंधन किया था। चुनाव में आरजेडी ने 80, जेडीयू ने 71 और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। बिहार में एनडीए के पास कुल 59 सीटें हैं।